ऐसे नेता के हम चाहेंगे कि माननीय नेताजी, माननीय सभी उपस्थित मंचासी नेतागण पुष्पांजलि करके उनका कार्यक्रम की शुरुआत करें। हम लोगों को निर्देश है कि जो भी कार्यकर्ता है उसका केसेज जो भी होगा उसको हम लोग को निःशुल्क लड़ना है और उसको कोई परेशानी नहीं। निकटवर्ती क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं, साथ ही साथ जो पहले से यहाँ पर आकर के सवेरे से जो बाहर के भी जैसे पुनपुन और बाढ़ मुकामा ये सब के जो भी पेशेंट यहाँ आए हुए थे जिनको के पहले से ये जानकारी थी तो वो लोग भी आ रहे हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है और इसको भारतीय जनता पार्टी सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। पूरे देश भर में वृहद तरीके से जो कार्यक्रम है उसका आयोजन किया जा रहा है और ये तस्वीर है बिहार भाजपा प्रदेश कार्यालय की, जहां इस सुशासन दिवस के अवसर पर निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं जिसमें दूर दराज से जो लोग आए हैं वो अपना इलाज करवा रहे हैं। जो डॉक्टर हैं उनका मुफ्त में इलाज कर रहे हैं, उन्हें मुफ्त में दवाइयाँ दी जा रही है। ऐसे में जो मरीज हैं उनकी भारी भीड़ जो है वो काउंटरों पर है और ऐसे में कई जो भी उनकी समस्याएं हैं, जो भी उनकी बीमारियां हैं उसको लेकर वो डॉक्टरों से सलाह ले रहे हैं। डॉक्टर भी उन्हें उनका इलाज कर रहे हैं और मुफ्त में जो उन्हें दवाइयां हैं वो दी जा रही है। और सीधे तौर पर कुछ डॉक्टर हैं उनसे हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। कहाँ से लोग आ रहे हैं, आज निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया? निकटवर्ती क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं, साथ ही साथ जो पहले से यहाँ पर आकर के सवेरे से जो बाहर के भी जैसे पुनपुन और बाढ़ मुकामा ये सब के जो भी पेशेंट यहाँ आए हुए थे जिनको के पहले से ये जानकारी थी तो वो लोग भी आ रहे हैं। के मौके पर आयोजन किया गया जी जो जयंती के मौके पर निशुल्क चिकित्सा शिविर तो है ही, साथ ही साथ जो विधि परामर्श शिविर है उसका भी आयोजन यहां किया गया है, जहां कानून से संबंधित जो सलाह है, जो मशवरे हैं वो यहां जो है लोगों को दिए जा रहे हैं। तौर पर जो प्रदेश संयोजक है इस विधि प्रकोष्ठ की उनसे बात करेंगे। सर, आज निःशुल्क प्रकोष्ठ का आयोजन किया गया है जयंती के मौके पर, सुशासन दिवस के मौके पर। ये विधि प्रकोष्ठ के द्वारा श्रद्धेय अटल जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोगों ने निःशुल्क विधिक परामर्श शुरू किया है। पटना में शुरुआत हुई है और आज एक साथ बिहार के संगठन के दृष्टि से 45 जिला है, 45 जिलों में ये कार्यक्रम चल रहा है। हम लोगों को निर्देश है कि जो भी कार्यकर्ता है उसका केसेज जो भी होगा उसको हम लोग को निःशुल्क लड़ना है और उसको कोई परेशानी नहीं हो। उसके अलावा भी अगर सरकार के दमन के द्वारा जहां किया जा रहा है अगर वो ऐसा विषय है तो उसको भी हम लोग लड़ेंगे। अपमान के मामले जो आ रहे हैं उसमें भी आप लोगों को सहयोग देने की बात कही गई है? बिल्कुल, जो भी रहेगा उसमें हम लोग करेंगे। तौर पर ये विधि प्रकोष्ठ की और चिकित्सा शिविर जो है वो निःशुल्क तरीके से आयोजन किया गया और साथ ही साथ जो चिकित्सा है निःशुल्क चिकित्सा और निःशुल्क विधि परामर्श जो है वो दिया जा रहा है और साथ ही साथ जो परिचर्चा और अटल काव्यांजलि है उसका भी आयोजन जो है भाजपा प्रदेश कार्यालय में किया गया है, जहां अटल बिहारी वाजपेयी जो खुद एक कवि थे, जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री खुद एक कवि थे, वो उनके जयंती है। इसके मौके पर ये जो सुशासन दिवस का कार्यक्रम है इसमें लोगों को न्याय दिलाने के लिए, लोगों की मदद के लिए जो निःशुल्क चिकित्सा शिविर है, निःशुल्क जो है विधि परामर्श जो है वो आयोजन किया गया है, ताकि जो लोग हैं उनको किसी तरह की कोई समस्याएं ना हो, उनकी जो समस्याएं हैं उसका निवारण जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जा सके और साथ ही साथ एक परिचर्चा और अटल काव्यांजलि जो है उसका भी आयोजन किया गया है, ताकि जो अटल बिहारी वाजपेयी जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे वो खुद एक कवि थे और इस मौके पर जो देश के मशहूर कवि हैं वो आएंगे और अटल बिहारी वाजपेयी पर परिचर्चाएँ होंगी और उनके संदर्भ में जो कविता पाठ है वो भी किया जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें और फेसबुक पेज पर भी फॉलो करना ना भूलें। पटना से NBC 24 के लिए विशाल भारद्वाज की रिपोर्ट।